एवरीवान दिस इज मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी आज के इस वीडियो के अंदर हम डेली यूनिवर्सिटी एमएससी जोअलॉजी का जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम आज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं पहले तो मैं ये बता देती हूँ अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के इस वीडियो को देख रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने से उसका पूरा का पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो ऐसे नहीं होता इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाले टॉपिक्स एटलीस्ट स्किप नहीं करने हैं किसी भी हालत में ठीक है तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो इन टॉपिक्स से शुरू कर सकते हो अगर आपने स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी तो आप ये टारगेट कर लो कि ये जो टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊँगी उनको आप पहले कवर कर लो और बाकी के टॉपिक्स आप बाद में कवर कर लेना ठीक है तो हम इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसके अलावा अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो जो डी है उसने ऐसे कोई सिलेबस नहीं रिकमेंड किया है कि अगर आप एम एस की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाला सिलेबस रेफ़र कर लो उन्होंने ऐसे कोई सिलेबस नहीं दिया है तो आपको क्या करना है आपको उनका बी का सिलेबस रेफ़र करना है ठीक है अगर आपके पास नहीं है वो फाइल अपडेटेड सिलेबस की तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप वहाँ से ले सकते हो डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ये आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको कवर अप करनी है जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स है इकोलॉजी है फिर आपकी सेल बायो है कॉर्डेट्स है फिजियोलॉजी है बायो है देन कंपेरिटिव है उसके बाद मोल बायो है जेनेटिक्स डेव बायो एवोल्यूशनरी बायो इम्यूनोलॉजी एंड टेक्निक्स ठीक है ये कुछ हैं यूनिट्स जो आपकी ओवरऑल कंप्लीट करनी है आपको अब अगर आप जोआलॉजी की तैयारी कर रहे हो एमएससी जोआलॉजी का एंट्रेंस है तो कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसमें से आप एक भी टॉपिक नहीं स्किप कर सकते और ये ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें आपको लर्न बहुत ज़्यादा करना है तो इन यूनिट्स को आप स्टार्टिंग में ही निपटाने की कोशिश करो ताकि आप इनकी ज़्यादा ज़्यादा रिविज़न कर सको ठीक है जैसे कि नॉन कॉडेट्स हैं आपका ये जो लिखी हुई है मैंने नॉन कॉडेट्स हो गए आपके कॉर्डेट्स हो गए कंपेरेटिव अनाटमी हो गई फिजियोलॉजी हो गया ये सारा ऐसा है जहाँ से आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स इसमें से लिखे हैं कि ये ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको पहले कवर कर लेना फिर बाद में इन्हीं यूनिट्स के बाकी टॉपिक्स को कवर कर लेना ठीक है डिजीजेज हैं डिजीजेज़ में आती हूँ मैं अभी नर्वस सिस्टम है पहले तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हॉर्मोन्से से रिलेटेड सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन के अलावा भी जैसे अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी है इसके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है या कौन सा मोड है ऑफ एक्सक्रीशन इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है ईसीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसका ग्राफ अच्छे से आना चाहिए कहाँ पे पीक बन रहा है कहाँ पे नीचे आ रहा है वो सारा आपको देखना है चेंबर्स आपको देखने हैं हार्ट के अंदर कैसे होते हैं इसके रिलेटेड मैंने अभी तक चार पांच क्वेश्चन देख लिया हैं चेंबर्स से रिलेटेड तो वो एक बार देख लेना एक्सेप्शन्स हर जगह यहाँ पर लर्न करने हैं ये जो चार पाँच यूनिट्स हैं चार हैं आई थिंक हाँ चार यूनिट्स हैं इसमें से आप एक्सेप्शन्स अच्छे से लर्न करना एक्सेप्शन एज इन कि मान लो आप हार्ट के चेंबर्स की बात कर रहे हो है ना रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल्स तो आपको वो लर्न करना है इसी तरीके से आप जब भी पढ़ोगे ना तो एक्सेप्शन ज़रूर आएंगे कि ये इस तरीके से होते हैं बट एक ये इसमें एक्सेप्शन है तो वो आप लिस्टिंग कर लेना अलग से और उनकी मल्टीपल रिविजन करना ऐस सच कोई मुश्किल नहीं है लर्न ही करना है, है ना लिस्टिंग करनी है बस एक आपको उसमें मेहनत लगेगी फिर आप रिविज़न करते जाना वो अच्छे से हो जाएगा ठीक है इसके अलावा सेल टाइप्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स कहाँ पे क्यूबॉइडल है हैं कहाँ पर एपिथीरियल सेल्स हैं कहाँ पे किस तरीके के सेल्स हैं वो सारा आपको लर्न करना है कब आता है डिजीज डिजीज़ेज़ को मैंने रेड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको किसी भी हालत में स्किप नहीं करोगे आपको कहीं भी डिजीज़ मिलता है इसका तो अलग से आप नोट बना लो कहीं भी डिजीज़ आपको मिलती है कि हाँ ठीक है ये वाली डिजीज़ है ये ऐसे होती है ये वाली डिजीज़ ऐसे होती है तो वो आप अलग से नोट कर लो ठीक है आपको ये हर यूनिट में मिल जाएगा ऑलमोस्ट आपको यहाँ भी मिलेगा फिजियोलॉजी में भी मिलेगा तो ये सारी डिजीज़ेज़ आप नोट कर सकते हो पैरासिटिज्म जब पढ़ोगे तब आप नोट कर सकते हो डिज़ीज़ेज़ कौन सा जो पैरासाइट है वो किस तरीके की डिजीज़ कॉज कर रहा है एसेट्रा एसेट्रा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो अलग से नोट कर लेना चलो अब बात करते हैं हम इकोलॉजी की इकोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है सक्सेशन सक्सेशन जब आप पढ़ोगे तो आप टाइप्स एग्जाम्पल्स ये सब देखोगे आप देखना कि प्राइमरी किस तरीके के एरिया में होता है बेयर रॉक अगर है तो वहाँ पे किस तरीके की सक्सेशन होगी अगर आग लग गई है किसी एरिया में तो उस जगह पे किस तरीके की सक्सेशन होगी प्राइमरी सेकेंडरी ये सब आपको पढ़ना है इसमें ठीक है ग्रोथ कर्वस इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई ग्राफ पढ़ते हो एम एस जोलॉजी की तैयारी कर रहे हो ग्राफ पढ़ते हो तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ग्राफ की शेप क्या होगी ठीक है बेल शेप होगा एस होगा जे होगा जैसे यहाँ पर आप ग्रोथ कर्व जब पढ़ते हो तो जे और एस शेप के ग्राफ आते हैं एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक के तो आपको वो पढ़ने हैं कब एक्सपोनेंशियल होता है कहाँ पे ऐसा होता है कि रिसोसेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है कहाँ पर कम रिसोर्स हैं इस तरीके के डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं ग्राफ आपको पढ़ने हैं ग्रोथ कर्व के ठीक है फिर आता है एनर्जी फ्लो आपको ट्राफिक लेवल वगैरह पढ़ने हैं पिरामिड्स पढ़ने हैं जब आप पिरामिड पढ़ते हो ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग तो उसमें आप ये देख लेना अपराइट कौन सा है इन्वर्टेड कौन सा है इस तरीके से आपको पढ़ना है ठीक uh, है साइकिल्स वगैरह पढ़नी है बायोजियो केमिकल साइकिल्स बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज में से आ जाते हैं नेशनल पार्क्स बायो रिजर्व सेंचुरीज ये सारा पूछ लेते हैं ये तो ये भी आपको लर्न करनी है इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए इकोलॉजिकल रिलेशनशिप से ठीक है तो ये इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आगे देखते हैं डेव बायो डेव बायो से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं ठीक है फेट ऑफ जॉम लेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मैंने इसीलिए रेड कलर से मार्क किया है ठीक है पहले मैंने एक डिजीजेस को भी रेड कलर से मार्क किया था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेट ऑफ जॉम लेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी मैं लास्ट में ठीक है तो जॉम लेयर्स का फेट यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडोम इनसे क्या कब बन रहा है मतलब जब गैस्ट्रुलेशन हो जाती है हमारी तीन लेयर्स बनती है ना जॉम लेयर्स एक्टोडोम एंडोडोम मीजोडॉम तो मीजोडोम किडनी बना रही है एक्टोडम क्या बना रहा है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग कहाँ से बन रहा है हमारे बोन्स uh, कहाँ से बन रही है मीजोडॉम क्या क्या चीज़ें बना रही है ये चीज़ आपको लर्न करनी है ठीक है इसका टेबल आप लर्न कर सकते हो फिर आता है आपका इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी में फिर बर्ड्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेमरीन आपको पढ़नी है प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर टाइप्स फंक्शन ये सब पढ़ने हैं इसका प्लेसेंटा के मैंने नोट्स डाले थे टेलीग्राम पे आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगी स्क्रीन तो वो आप उसके स्क्रीन ले लेना ले ठीक है प्लेसेंटा के हो गए स्ट्रक्चर टाइप्स वगैरह ये पूछे जाते हैं मेटामोफोसिस इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है, है इंसेक्ट डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन ये जो रीजनरेशन है इससे रिलेटेड 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन से रिलेटेड त्वेंट आया हुआ है चिक एम्ब्रियो आपको पढ़ना है सी अर्जिन की फर्टिलाइजेशन जो होती है वो बहुत ही बेसिक है बहुत ईजी है आपको ये पढ़नी है सी अर्जिन की इससे रिलेटेड आ रखा है क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी में भी ममेलियन ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट हमारे अंदर कैसे होती है वही पढ़ लेना वो भी बहुत है और क्लीवेज पैटर्न और ये गैस रिलेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लीवेज पैटर्न हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हुए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है और गैस रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है और वैसे भी आते हैं ठीक है तो डेव बायो में से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी और वैसे भी आते हैं तो आपको इसको अच्छे से करना है फिर आता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एवोल्यूशन के अंदर आपको पढ़ना है मेनली डार्विनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके अलावा जो लिखे हुए टॉपिक्स वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं डार्विनिज्म इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एवोल्यूशन ठीक है वेरिएशन क्या होता है सेक्सुअल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है नेचुरल सिलेक्शन होगी तो क्या ज़रूरी है कि एवोल्यूशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर नेचुरल सिलेक्शन हुई है और वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं दिखा रहे हैं तो फिर नहीं होगी स्पीसीिएशन है ना तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए लिमाकिजम क्या है किसने कौन सी बुक लिखी है एंडोसिम्बैटिक थ्योरी क्या है वेरिएशंस क्या होती हैं नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिटनेस का रिलेटिव फिटनेस क्यों कहते हैं हम उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है दो तरीके से होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट वो आपको पढ़ना है इसमें एक हार्डी वीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डी वीन की कंडीशंस आप पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें बोली थी हार्डी वीनबर्ग ने कि भाई चेंजेस नहीं आने चाहिए तब मेरे रूल्स लगेंगे और हार्डी वीनबर्ग के जो दो इक्वेशन हैं छोटी छोटी सी वो पढ़नी है उसको कैसे हम न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करते हैं बेसिक न्यूमेरिकल आएगा बहुत ज़्यादा हाई फायर न्यूमेरिकल नहीं आएगा वो आपको पढ़ना है ठीक है होमोलोगस एनोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करके जाना है मैन का एवोल्यूशन और थोड़ा बहुत हॉर्स का देख लेना ठीक है वो देखना है आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको रट्टा मारना है अच्छे से कि कब कौन सा एरा uh, है अपॉक है पीरियड है ये सब आपको देखना है कनेक्टिंग लिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिंग लिंक से क्वेश्चन uh, आते हैं ठीक है दो तीन ही है लर्न कर लेना तो यहाँ पर हार्डी विनबर्ग अच्छा ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लमैकज्म से आए हैं डावनिज्म वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन से आया हुआ है होमोलोगस एनोलॉगस ऑर्गन्स आए हुए हैं और जियोलॉजिकल टाइम स्केल से एक आए हुए हैं ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है चलो फिर आती है सेल बायो सेल बायो में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपका बेसिक्स बनाना है इसमें आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर भी अगर आपका बैक्टीरिया है और आर बैक्टीरिया है तो उनकी सेल वॉल के अंदर क्या डिफरेंस होता है क्यों आर बैक्टीरिया जो है वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वायरस और वायरॉइड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं वायरसॉइड्स क्या होते हैं प्रायन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायन्स के आपको डिजीजेस पता होने चाहिए किस कौन कौन से डिजीज़ ये कॉज करता है ह्यूम्स के अंदर कौन से करता है काव uh, वग़ैरह के अंदर कौन से करता है ये सारा आपको पता होना चाहिए ठीक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेमरीनस के अंदर आपको क्या पढ़ना है ये जो होते हैं ना आपके पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं पैसिव में आपका डिफ्यूजन आ जाता है ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ते हो आप इसमें इसमें आप वो भी पढ़ते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पढ़ते हो फिर आपका एक्टिव आ जाता है जिसमें आप पंप्स वगैरह पढ़ते हो इसके अलावा आपके एक्टिव के अंदर कुछ को ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह होता है वो सब आप पढ़ते हो तो ये सारे ट्रांसपोर्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं कौन से नहीं होते जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते साइज़ की वजह से नहीं होते चार्ज होता है उनके ऊपर इसी वजह से नहीं होते तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेमरन में पढ़नी है फिर आपको ऑर्गेनल्स का बेसिक पता होना चाहिए ऑर्गेनलीज जो होते हैं या ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो भी प्रोनाउंस करते हो आप वो जो होते हैं न्यूक्लियस ई ER, आर गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया लाइजोजोम्स प्रॉक्सीजोम्स ये इंपॉर्टेंट है परोक्सीजोम्स आप ये सारे ऑर्गेनल्स ये सब कुछ आप वहाँ से कर सकते हो कूपर से कर सकते हो उसमें दिया हुआ है ईजी दिया हुआ है ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस अच्छे से कर लेना क्या होता है कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इवॉल्व हो क्यों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेवेंटी एस होता है और वैसे न्यूक्लियस के अंदर एटी एस राइपोसोम होता है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जंक्शन आपको पढ़ने हैं साइटोस्केलेटन अच्छा खासा टॉपिक है इससे आ जाते हैं क्वेश्चन अपोप्टोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अपोप्टोसिस से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आते हैं कि इसमें से किसको अप ऑप्टोसिस कंसिडर करोगे किसको नहीं करोगे किसमें आपकी सेल डेथ होगी बाय इंजरी किस में नहीं होगी बाय इंजरी ऐस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपोपटोसिस और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है फिर आता है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इसमें आप बेसिक्स पढ़ना ठीक है और जो प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्ड हैं वो देखना कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन देखना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है जैसे ई ER आर से गोल्जी में जाएगा गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा वो सब भी देख लेना वो सब आपको देखना है कि कैसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ठीक है इसमें सिग्नलिंग किस तरीके से वर्क करिए वो सब बेसिक्स आपको देखने हैं क्रोमेटिन अच्छा खासा टॉपिक है यू क्रोमेटिन हीट और क्रोमेटिन कहाँ कहाँ पर हीटर और क्रोमेटिन प्रजेंट होता है क्यों उसे हीटर कहते हैं यू क्रोमैटिन क्यों कहते हैं हम इसको कौन सा वाला डार्क बैंड देता है कौन सा लाइट बैंड देता है इस तरीके से डिफ्रेंसेस देख लेना माइटोसिस म्योसिस साइकिल और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्रोमोजोम नंबर और डी एन ए कॉन्टेंट का आपको पता होना चाहिए आपको नहीं अगर पता कि क्रोमोजोम नंबर और डी एन ए कॉन्टेंट कैसे देखते हैं तो मैं एक शॉर्टकट बता देती हूँ इसमें अगर आप सेंट्रोम्योर्स काउंट करोगे तो आपके वो क्रोमोजोम नंबर निकल आएंगे अगर आप क्रोमेटेड काउंट करोगे तो आपका डी का कॉन्टेंट निकल आएगा ठीक है ये जो क्रोमोजोम नंबर है ये क्रोमोजोम पूछ रहा है ना डी एन डबल हो जाता है एप्लीकेशन के बाद तो इसमें कन्फ्यूज हो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बट इससे रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन आते हैं तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा तो आप क्या करना आप क्रो काउंट करना वो आपका क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा और डीएनए कंटेंट के लिए आप क्रोमेटेड काउंट कर लेना कितने क्रोमेटेड्स हैं ठीक है थीके? वो आपका डी एन ए कॉन्टेंट हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी सिग्नलिंग के थोड़े बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे कि जी पी सी आर है कैंप है प्रोटीन काइनेज है ये पढ़ जाना चलो फिर आती है आपकी बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं और बॉन्ड्स देखने हैं कहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा बन रहा है बीटा वन फोर कहाँ पे है बीटा वन सिक्स कहाँ पे है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए क्यों इन्हें रिड्यूसिंग कहते हैं क्यों नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं ये देख लेना स्टेरॉइड्स देख लेना कैसे उनकी सिंथेसिस हो रही है प्रिकर्सर्स कौन से हैं बाद में क्या बनता है ये सारा प्रिकर्सर्स uh, और जो एंड प्रोडक्ट है वो तो आपको सारे ही जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ने वाले हो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आते हैं वो उन सब में आपको ये चीज़ देखनी है ठीक है अमाइनो एसिड्स में आपकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कौन से होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है कौन से पे पॉजिटिव चार्ज होता है पी आई और पी एच का कॉन्सेप्ट आपका ठीक ठाक क्लियर होना चाहिए ठीक है बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं पी आई और पी एच से ठीक असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए आप मतलब ये क्लासिफिकेशन में ही आ जाता है एक तरीके से फिर आते हैं एंजाइम्स एंजाइम्स और बॉन्ड्स बायो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी वजह से रेड कलर से मैंने इन्हें मार्क किया हुआ है लिखा हुआ है तो यहाँ पे एंजाइम्स में नॉमिन या उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है उससे रिलेटेड दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है तो वो इंपॉर्टेंट है को आपको पढ़ने हैं मैकेनिज्म पढ़ना है एंजाइम एक्शन का के एम वी मैक्स लाइन वी इसके अलावा एलोस्टेरिक एंजाइम्स और रेगुलेशन रेगुलेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है बायो केमस्ट्री के फंडामेंटल्स में इसके बाद मेटाबॉलिक तो प्रोसेस जो बायोकेमिट्री के आते हैं वो आपको पढ़ना है कंपार्टमेंटलाइजेशन मैंने फर्स्ट नंबर पर ये टॉपिक इसलिए डाले हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोलिस जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो कहाँ पे हो रही है अगर आप आंसर देना चाह रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको आपको एकदम एक्जैक्ट पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहाँ पे मैट्रिक्स में क्या क्या हो रहा है इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या हो रहा है ये सारा आपको पढ़ना है ठीक है ट्रिपल पी पाथवे यानी फोस्फेट पेंटो पेंटोस पाथवे ये कहाँ पर हो रहा है ये भी आपको देखना है ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखना है एक ग्लाइकोलिसिस होती है आर की इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये भी देख कर जाना um, इससे रिलेटेड 2020 में भी क्वेश्चन आए हैं से आया हुआ है सिट्रिक एसिड साइकिल से आया हुआ है 2020 के अंदर क्वेश्चन um, इसके अलावा आपका पी से भी 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है चलो आगे देखते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन आपको पढ़नी है फैटी एसिड्स की इससे रिलेटेड एक दो बार मैंने देखे हैं क्वेश्चन यूरिया साइकिल इज इंपॉर्टेंट ईटीसी का रिव्यू आपको देखना है इसमें इनहैबिटर्स एंड अनकप्लर्स देखने हैं इनहैबिटर्स आपको हर जगह के देखने हैं जब आप आ, ये मोल बायो के अंदर देखोगे ना रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन उसमें भी इनहैबिटर्स आएंगे इनफैक्ट आपको पूरी की पूरी जब भी आप तैयारी करो कोई भी इनहैबिटर दिखता है उसको अलग से एक नोट पैड में नोट कर लो जैसे डिजीजेस नोट कर रहे थे वैसे इन्ैबिटर्स भी आप अच्छे खास से नोट करना ई टी सी के इन्बिटर्स एंड कपलर्स ये इंपॉर्टेंट है इंटरकनेक्शन आपको देखना है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का पायरोवेट का एसिटाइल ए का ये रिएक्शन हैं कुछ जो आपको पढ़ के जानी है फास्टिंग एंड स्टावेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी में डी यू में नहीं था वो शायद वो किसी और यूनिवर्सिटी में पूछा गया था बट स्टिल इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ठीक है अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है जितने भी पाथवे आप पढ़ने वाले हो उन सभी पाथवे के अंदर कहाँ पर ए बन रही है कहाँ पर जी बन रही है कितनी बन रही है आ, कितना यूटिलाइज़ हो रही है यानी कि यूटिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन दोनों चीज़ें इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की आपको देखनी है ठीक है एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है रिएक्शन के अंदर प्रिकॉर्स क्या थे कहाँ पे एटीपी बन रही है वो एटीपी के लिए फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ठीक है इस तरीके से आप ध्यान रख के ये सारे टॉपिक्स कवर करोगे उसके बाद आता है मोल बायो मोल बायो जब आप स्टार्ट करोगे ना तो पहले एन उठा लेना उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं स्टार्टिंग में दिए हुए हैं वो आपको करने हैं ठीक है थीके? कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसको पता लगाने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए ठीक है कुछ साइंटिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए गए थे आपका फोटीन एन फिफ्टीन एन वाला उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बना देते हैं ये और आप मिस नहीं करना चाहोगे ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करना वो कर लो जब आप तो फिर आपको देखना है कि डी के अंदर डिफ्रेंसेज कैसे होते हैं न्यूक्लियर डी में माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रल डी में क्लोरोप्लास्ट का जो डी होता है इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं फोकस आपका न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल पर रहेगा क्योंकि आपका जोआलॉजी है ठीक है स्टिल क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा देख लेना अच्छा माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये जेनेटिक कोडोन से भी थोड़ा सा डिफरेंसेस बेयर करता है जैसे ये यूनिवर्सल जो हमारा होता है कोडोन मतलब सभी के अंदर सेम होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़े बहुत डिफ्रेंसेज होते हैं उसके ऊपर फोकस कर लेना जीनोम का थोड़ा सा देख लेना डी एन के टाइप सेखना है आर एन ए के टाइप सेखने वाटसन क्रिक का मॉडल देखना है सेमी कंजर्वेटिव आप क्या होता है डायरेक्शनल सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस ये सारी टर्म्स आपको देखने हैं कि कैसे कैसे होते हैं ठीक है प्यूरेंस पिमिडेंस का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो था मुझे याद नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी का था वो शायद से डी का ही था बट ये इंपॉर्टेंट भी है प्यूरेंस एंड पिरािडेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ठीक है इसके अलावा ओपरॉन ओपरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओपरॉन जब आप पढ़ो ना तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार ये आपका क्लियर हो जाए तो उसके बाद कुछ म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसके पाथ फाइंडर में मिल जाएंगे अदरवाइज भी कुछ एम की जो बुक होगी आपके पास उसमें भी मिल जाएंगे अगर नहीं मिले तो फिर टेलीग्राम पर बता देना मैं भेज दूँगी ओपरॉन के कुछ म्यूटेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आपको ट्राई करने हैं वो आते हैं एग्जाम में ठीक है बेसिक आ गया तो अच्छी बात है अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं म्यूटेशन वाले सेंट्रल डोगमा इज़ इंपॉर्टेंट मोल बायो में और है ही क्या सेंट्रल डोगमा इज द मेन इसमें आपको डिफ्रेंस बता चाहिए कि प्रोकेॉट और यू के अंदर तीनों चीज़ें रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे डिफरेंट है ठीक है इसके अंदर फैक्टर्स क्या यूज़ हो रहे हैं को फैक्टर्स क्या यूज़ हो रहे हैं एन्जाइम्स क्या यूज़ हो रहे हैं प्रोकर की um, किसी एक प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्वेंटी में आया हुआ है और एनजाइम्स पूछे हुए थे ठीक है ये दो क्वेश्चन थे इसके अलावा टीलोमेयर्स का आपको पता होना चाहिए टीलोमेयर्स क्या होते हैं क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं एंड रेप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या होती है टीलोमेयर्स कैसे उस एंड रेप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये सारा आपको पता होना चाहिए वोबल इज़ इंपॉर्टेंट देन जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये डी है या कैसा है यूनिवर्सल है वगैरह वगैरह इसमें पंचुएशन मार्क नहीं लगते जो भी आपके एन सी आर टी में दिया हुआ है बिल्कुल बेसिक या फिर आप उससे पढ़ लेना पाथ फाइंडर से पढ़ लेना वो भी ठीक है उसमें भी अच्छा खासा दिया हुआ है फिर इन्हेबिटर्स एज आई सेड पहले भी कि इन्हीबिटर्स आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से पढ़ने हैं स्पेशली ट्रांसलेशन के पढ़ने हैं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हैं पातवा इंडर में मिल जाएंगे ट्रांसलेशन वाले इन्ैबिटर्स बाकी दोनों के आप देख लेना कूपर वगैरह से देख लेना ठीक है आगे देखते हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं एक तो आपको जेनेटिक्स के अंदर जो भी टर्म मिले आप उसकी डेफिनेशन ज़रूर देख लेना एलील क्या होता है जीन क्या होता है हेमीजाइगस क्या होता है होमोजाइगस क्या होता है हीट्रोजाइगस क्या होता है सूडो डामिनंस सूडोजीन सूडो अलील ये सारी टर्म्स जो हैं एक जैसी सी दिखती हैं बट डिफरेंट होती हैं थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं तो वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी ठीक है रेशियोज़ का मैंने बताया था पिछली जो भी वीडियो थी मैंने एम की बनाई थी शायद वो इंपॉर्टेंट एम की वो देख लेना एक बारी उसके अंदर मैंने बताया था कि रेशियोज़ आपको पढ़ने हैं इंटरेक्शन्स के कोई भी इंटरेक्शन अगर आप पढ़ रहे हो चाहे वो एपिस्टासिस है चाहे फिर वो विनकम्प्लीट डोमिनेंस है चाहे फिर वो मेंडल वाले ही क्यों ना हो ठीक है बेसिक से लेके ऊपर तक की सारी इंटरेक्शन्स की जो आपकी रेशियोज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है इज इंपॉर्टेंट उसकी रेशियोज़ इम्पॉर्टेंट है पेडिग्री एनालिसिस मैंने रेड से इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है तो पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसी वजह से पेडिग्री को अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वो आप देख सकते हो फिर आता है पेनीट्रेंस एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिविटी इसके अंदर देखो रेशियो जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 2020 में ही आ गया था पेनी ट्रेन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन 2020 में आ गया था इसके अलावा एक्सप्रेसिविटी भी अच्छा खासा टॉपिक है आप इसको भी तैयार कर सकते हो कुछ नहीं एक्सप्रेसिविटी में कुछ डिग्री होती है कि कितना ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है कोई अलील ठीक है उसके बाद आती है म्यूटेशन आपको ड्रोसोफिला की अच्छे से करनी है म्यूटेशन म्यूटेशन की टाइप्स आपको करनी है स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है इंड्यूस्ड कौन सी होती है पॉइंट म्यूटेशन मिससेंस म्यूटेशन नॉन सेंस म्यूटेशन इन सब में डिफरेंस क्या होता है नॉन सेंस में आपके स्टॉप को डाउनस होते हैं या नहीं होते हैं इन्वॉल्व ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए म्यूटेशन के टाइप्स आपको करने हैं टाइप्स में आप वो भी आएंगे डिलीशन आएगा इन्वर्जन आएगा ट्रांसलोकेशन आएगा उसके एक्जाम्पल्स आएंगे वगैरह वगैरह देन आता है क्रोमोसोमल एबरेशन ये भी आपको अच्छे से करने हैं एनिप्लॉयडी पोलीप्लॉयडी यूप्लॉडीडीडीडीडीडी ये सारा चीज़ें आपको करना है डोसेज कॉम्पनसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बार बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डोसिज कॉम्पनसेशन आप पढ़ के जाना अच्छे से ट्रांसपोजोन्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं बेटा डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं ठीक है इस साल भी डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ म्यूटेशन से रिलेटेड आया पेनीट्रेंस रेशियो में बता चुकी हूँ ये सारे क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं ठीक है डिसऑर्डर्स में आपके जो आपके टर्नर है क्लाइन फिल्टर है डाउन पटाओ एडवर्ड ये जो लिखे हुए हैं ये मेन मेन है जो फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के तो ये आपको पढ़ के जाने कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं उसमें से कॉन्जुगेशन से रिलेटेड ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया बाकी भी आ सकते हैं तो ये आपको तीनों प्रोसेस अच्छे से पता होने चाहिए ठीक है चलो इम्यूनो आता है फिर इम्यूनो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो पैसेव इम्यूनिटी है इम्यूनोग्लोबिलिन्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है और डिजीजेज़ ठीक है डिजीजेज़ तो हर जगह ही इंपॉर्टेंट है तो वो तो है ही बाकी इसका अगर मैं बोलूँ इम्यूनो का तो पैसिव और इम्यूनोग्लोबुलिन से हर बार ज़रूर आता है क्वेश्चन इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पता होनी चाहिए किस तरीके से होती है जैसे एक्टिव होती है पैसिव होती है इनइट होती, होती है अडाप्टिव होती है डिफरेंसेस पता होने चाहिए सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स जो जो इन्वॉल्व होते हैं साइटोकाइंस होते हैं इंटोल्यूकिन वगैरह इन सब के बारे में पता होना चाहिए फिर पैसिव uh, एक्टिव मैंने बता दिया इनके एग्जाम्पल्स आप देख लेना पैसिव के एनसीआर वाले वाली एग्जाम्पल्स भी ठीक है वो उतने कर लेना नहीं तो फिर आप पाथ फाइंडर से कर लेना अदरवाइज इंटरनेट पे अच्छे खासे फ़्लोचार्ट्स होते हैं वो आप कर सकते हो वहाँ से पैसिव के एक्टिव के दोनों के एग्जाम्पल्स ठीक है मेनली पैसिव पूछते हैं वो उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड इस बार भी क्वेश्चन आया ट्वेंटी ट्वेंटी में तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों मतलब सिक्रीशन है तो वहाँ पे आई जी ए आई जी ए होगा अगर मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ है तो पहली एंटीबॉडी कौन सी आ रही है इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे एलर्जी के अंदर आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन ई e होती है तो वो पूछ लिया इसके अलावा अगर जी के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है जब मदर से बच्चे के अंदर कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है हिंज रीजन क्या होता है जॉइंट क्या होता है वगैरह वगैरह एम एच सीज टी सेल्स बी सेल्स ए पी सीज़ एम एच सी से रिलेटेड ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन है टी सेल से रिलेटेड है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से रिलेटेड है एंटीजन प्रजेंटिंग सेल्स आप अच्छे से कर लेना माइक्रोफेजेज हो गए आपके डेंटिटिक सेल्स हो गए वगैरह वगैरह टी सेल्स में आपके टी हेल्पर सेल्स होते हैं साइटोटॉक्सिक होते हैं साइटोटॉक्सिक तब यूज़ होते हैं जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके से डिफ्रेंस आपको करने हैं बी सेल क्या होता है और प्लाज्मा सेल क्या होता है प्लाज्मा सेल के म्यचूरेशन से बी सेल बनता है मेचूरेशन कैसे होती है टी सेल की मेचूरेशन कैसे होती है ये सब पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है लेकिन आपका बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ठीक है कहाँ पे एंटीबॉडीज़ यूज़ हो रही हैं कहाँ पर नहीं हो रही हैं वो सारी चीज़ें और डिजीजेज़ में बता चुकी हूँ डिजीजेज़ पढ़ने यहाँ पे लिखा है ब्लड ग्रुप एनालसा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको ये देखना है कि कहाँ पर कौन सी शुगर होती है ठीक है शुगर किस तरीके की होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है मेम्रेन पर होती है अंदर प्रेजेंट होती है वो सब आपको देखना है ब्लड ग्रुप अच्छे से कर जाना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फिर आ, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने अलग से यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं पिछले जो पेपर्स थे मेरे पास उनमें से मैंने हर पेपर में से जो जो मुझे दिखी आ, मैंने कोशिश की कि कोई भी स्किप ना हो मैंने सारी टेक्निक्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं ठीक है पी सी आर है एस डी एस ये इनमें से ये जितनी भी यहाँ लिखी हुई हैं उनमें से एस टी एस पेज रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन एंड रेडियो इम्यूनो एसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी में आया हुआ है ठीक है तो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बारी पूछी जाती हैं तो ये आपको कुछ टेक्निक्स हैं जो पिछली बारी पूछी गई हैं तो वो मैंने अलग से लिख दी हैं अब आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना अब ये जो टेक्निक्स हैं इनमें आपको पढ़ना क्या क्या है इनका बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि इनका प्रिंसिपल क्या है किस फंडा इनका फ़ंडा क्या है काम करने का वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसे ये काम कर रही हैं बेसिक एक आप प्रोसेस देख लेना कि पी के अंदर तीन स्टेप्स होते हैं कहाँ पर क्या टेम्परेचर होता है वगैरह वगैरह एप्लीकेशनस आर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी देख जाना ठीक है अब जैसे पेज है उसके अंदर आप चार्जेस पे ध्यान दोगे तो जो मेन मेन चीज़ें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रीवियस प्रीवियसली क्वेश्चन देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है कई बारी तो ऐसा होता है कि वो ना आपको स्टेप्स दे देते हैं लिख के आपको स्टेप्स जो है वो अरेंज करने होते हैं कि पहले क्या होगा दूसरा क्या होगा तीसरा क्या होगा जैसे साउदन का दिया हुआ था एक बारी तो साउुन ब्लॉट जो था उसके स्टेप्स दिए हुए थे उनको आपको अरेंज करके लिखना था दैट सेट तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं टेक्नीस पे से तो ये तीन चीज़ अगर आप कर लेते हो बेसिक प्रिंसिपल आइडिया जिस पे ये वर्क करें मतलब उनका प्रोसेस एंड देन एप्लीकेशन तो आपका पूरा हो जाएगा टेक्निक का तो ये आपको पढ़ना है फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पीछे नहीं डिस्कस कर पाए थे जैसे कि ऑल्ट्रोजम है ये इम्पॉर्टेंट है ये आपका एवोल्यूशन uh, में लगा लो इसे कॉलेज में लगा लो चाहे बिहेवियर में लगा लो तीनों में फिट हो जाता है अल्ट्रिजम इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल रिदम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जैसे जीट ज़िबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे माउस के अंदर किस तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक वर्क करती है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे एक्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है ये क्वेश्चन शायद ट्वेंटी एटीन के हैं इफ़ आई रिमेम्बर एग्रोबैक्टेरिया मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है ये एक टेक्निक हो गई देन रिकॉम्बिटेंट इंसुलिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इससे रिलेटेड एन सी आर टी में दिया हुआ उतना कर लेना अगर अच्छे से समझ में आती हैं ये चीज़ें तो फिर थोड़ा डिटेल में देख लेना ठीक है एक्सेप्शन आपको देखनी है जहाँ भी आपको नजर आए ठीक है आपको ये स्टार्टिंग की जो मैंने कॉडेट्स नॉन कॉडेट्स और ये सब बताई थी कंपैरेटिव जब करोगे फिजियोलॉजी जब करोगे तो वहाँ पे एक्सेप्शन मिलती हैं बायो में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के और वो पूछ लेते हैं तो वो आपको अच्छे से करनी है बार बॉडीज़ मैंने बताया था जब डोसेज कॉम्पनसेशन का बता रही थी वो इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है ये क्या होता है डोसेज कॉम्पनसेशन जिनको नहीं पता उनको मैं बेसिक बता देती हूँ जो मेल होता है उनके अंदर एक ही एक्स होता है क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर दो होते हैं तो ये तो अनिकवल हो गया ना तो नेचर ने कुछ ऐसा किया हुआ है कि जो फीमेल है उसका एक एक्स एक्सक्रोमोजोम जो होता है वो इनएक्टिव कर दिया जाता है उसको बोलते हैं हम बार बॉडी ठीक है तो वो किन सेल्स में इनएक्टिव हो रहा है कैसे इनएक्टिव हो रहा है क्या वो मुसैकज़म क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप बार बॉडी को पढ़ोगे डोसिज कॉम्पनसेशन मैंने बता दिया डोसिज कॉम्पनसेशन मतलब दोनों के अंदर अब इक्वल हो गया मेल के अंदर भी एक ही हो गया और फीमेल के अंदर भी एक ही हो गया ठीक है बट क्या वो सारे सेल्स के अंदर हो रहा है इनएक्टिवेट क्या वो एक मजाकिज्म क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है वैक्सीन्स के बारे में इंपॉर्टेंट है वैक्सीन्स के बारे में पढ़ कर जाना ठीक है किस तरीके से वैक्सीन्स होती हैं किसके लिए कौन सी होती है स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं देन डिजीजेज़ जो होती हैं वगैरह वगैरह ये सारा पढ़ लेना बॉन्ड्स मैंने बता दिया था जहाँ भी इन्वॉल्व हैं बॉन्ड्स आपको देखने कहाँ पे अमाइड है कहाँ पर दो प्रोटीन के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है दो अमाइनो एसिड के बीच में सॉरी दो माइनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है प्रोटीन के अंदर किस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है प्राइमरी में कौन सा होता है सेकेंडरी में क्वार्टरनरी में जैसे जैसे वो फोल्ड होता है तो बॉन्ड्स हर जगह पढ़ने हैं ठीक है थीके? हर जगह सिर्फ बायो केम में नहीं हर जगह जहाँ भी दिख जाए जैसे अगर आप ये पढ़ोगे मोल uh, बायो पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो किस तरीके से बॉन्ड्स बन रहे हैं ठीक है कहाँ पे किन दोनों के बीच में किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है जब आप रेप्लिकेशन करते हो तो बॉन्ड्स बनते हैं ठीक है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में वो कैसा बॉन्ड होता है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ़ डीएनए आपको पता होना चाहिए ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा किस केस में तो इतना ध्यान रख लेना कि जी सी जब ज़्यादा होता है ज़्यादा उस डी के अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा लगता है क्योंकि जी और सी के बीच में है तीन बॉन्ड उनको तोड़ने के लिए मुझे टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा ए और टी के बीच में है दो बॉन्ड तो उनको तोड़ने के लिए मुझे टेम्परेचर चाहिए कम और कोई फैक्टर्स दिए हों तो उनसे रिलेटेड भी हो सकता है बट मेनली इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है जी सी कॉन्टेंट और ए टी कॉन्टेंट कितना है उस डी एन ए के अंदर उसके अकॉर्डिंग मेल्टिंग टेम्परेचर पूछ लेते हैं ठीक है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए मैं वैसे भी बता रही हूँ अगर कोई और फैक्टर भी हो तो वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन मेनली इन्हीं से रिलेटेड पूछते हैं जी सी ए टी से तो आपको मेल्टिंग टेम्परेचर का करके जाना है फिर um, ओके okay, सो so इतना ही था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये दो क्वेश्चन हैं जो मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे कुछ बताना था एक तो ये मारसूपिल मामल्स वाला क्वेश्चन ये दो तीन बार रिपीट कर चुके हैं ये इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया इसको पढ़ लेना दूसरा ये वाला क्वेश्चन है किडनी वाला जैसे मैंने बोला था कि जो फेट होता है जॉम लेयर्स का जब हमारी वो होती है गैस्ट्रिलेशन ग्रा, ग्रा, होती है तो तीन लेयर्स बनती है एक्टोडोम मीजोडोम एंडोडम इन तीनों लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं कौन कौन से चीज़ें बनती है बोन कहाँ से बनता है मीज़ोडोम से बनता है तो इस तरह से आपको लर्न करना है ठीक है किडनी कहाँ से बनती है मीज़ोरोम से बनती है तो इस तरीके से वो क्वेश्चन देंगे ठीक है वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में किडनी कौन सी लेयर से बनती है तो आपका आंसर करना है सो so, ये दो क्वेश्चन है ऑल द वेरी बेस्ट इतना ही था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रिपेयर अच्छे से कर लेना एंड और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना आई एल रिप्लाई सो दैट वॉज इट फॉर टुडे इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू